आप देखेंगे पुलिस की भर्ती की का जो ये निकला था अभी परीक्षा का जो पूरा एग्जाम कराया, उसके भी पेपर कहाँ से लीक हुए? गुजरात से हुए। और मैं समझता हूँ कि इसमें भी आप देखेंगे तो गुजरात की ही लॉबी आएगी, क्योंकि यही लोग पूरी तरीके से, कई बच्चों ने टॉप किया है। क्या कारण है इसका? मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है या पूरी दाल काली है। कितने मंत्री आए, कितने मुख्यमंत्री आए, और कितने माफियाओं को इस्तेमाल किया उन्होंने, कितने माफियाओं से पैसा बंटवाया मोदी जी ने। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरी तरीके से ये भाजपा की सरकार में, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। प्रदेश में भी 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और अभी तक जांच चल रही है, कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं। और इसकी आप देखेंगे पुलिस की भर्ती की का जो ये निकला था अभी परीक्षा का जो पूरा एग्जाम कराया, उसके भी पेपर कहाँ से लीक हुए? गुजरात से हुए, उसमें पूरी गुजराती लॉबी लगी है। अभी आप देखेंगे इस वाले में भी आप देखेंगे अंदर खाने में जांच चलेगी, और ये सीटिंग मैं समझता हूँ कि सीटिंग हाईकोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच कराई जाए तो इसमें ज्यादा इफेक्टिव होगा सीबीआई से जांच कराने की अपेक्षा सिटिंग जज से जांच कराएं। और मैं समझता हूं कि इसमें भी आप देखेंगे तो गुजरात की ही लॉबी आएगी, क्योंकि यही लोग पूरी तरीके से परीक्षाओं का सारे पेपर सारे छप रहे हैं और सारी चीजें यही लोग कर रहे हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से। और आप देखेंगे अभी गुजरात में जहां नीट की परीक्षा के बोर्ड जहां पे सेंटर्स पड़े हैं वहां का रिजल्ट देख लीजिए, सभी टॉप किए हैं बच्चे। गोधरा का मेरे जानकारी में आया कि वहां के कई बच्चों ने टॉप किया है। क्या कारण है इसका? मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है या पूरी दाल काली है। तो इसकी सिटिंग जैसे जांच हो, और जो भी अभी तक ये इनके एग्जाम्स हुए हैं उसकी निश्चित तौर से सिटिंग हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराई जाए, जिससे कि ये न्याय कम से कम न्याय हो और सब लोगों को विश्वास जगे। सर, बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का कहना है कि लोकसभा चुनाव में विदेशी फंडिंग हुई, खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। मैं तो सामने बैठा हूं, वही न लड़ा हूं मोदी से, मेरी जांच करा लें, मेरे अकाउंट्स देखवा लें, मेरे खाते चेक करा लें, और मोदी जी के भी खाते चेक करा लें, भाजपा के भी खाते चेक करा लें, कहां कहां से पैसा आया, कितने गुजरात के लोग बनारस में आए, कितने राज्यपाल बनारस में आके उनके लिए काम किए, कितने मंत्री आए, कितने मुख्यमंत्री आए, और कितने माफियाओं को इस्तेमाल किया उन्होंने, कितने माफियाओं से पैसा बंटवाया मोदी जी ने, उनके हाथ से रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे माफिया लोग मंच पे चढ़कर। ये पूछिए जरा साक्षी महाराज से कि वो माफिया उनके लिए वोट मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे, ये रिकॉर्ड में है, ये पूछिएगा। अगर वो नहीं नाम बता पाएंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा आगे चल के आपको। सर, उपचुनाव होने वाले हैं और निकाय चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? हमारी तैयारी चल रही है, हम लोग अभी वरिष्ठ लोग बैठेंगे, हमारी मीटिंग है, और अभी हम लोग तय कर लेंगे कि आगे हम निश्चित तौर से हम चुनाव लड़ेंगे, और उपचुनाव तो मजबूती के साथ लड़ेंगे, और निश्चित तौर से हम लोग उसको जीतेंगे मजबूती के साथ। पूरा गठबंधन मजबूत है और गठबंधन में निश्चित तौर से हम इसको जीतेंगे। सर, तमिलनाडु में अवैध शराब पीने से लगभग 29 लोगों की मौत हो चुकी है, निश्चित तौर से इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी हम निंदा करते हैं, भर्सना करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।